फाइंड आउट इट बाय चेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन कि मतलब और क्या हो रहा है, तो मैं उसको और ग्रो होने दूंगा एंड फॉर दैट मुझे उसको और तो आई हैव टू चेक इट कि मतलब तो फिर मैं क्या करूंगा उसको, उसको इधर N14 में ग्रो करूंगा या फिर N15 में ग्रो करूंगा। बट यहाँ पे उन लोगों ने उसको वापस से N14 में ग्रो किया है, तो जैसे जैसे N14 में ग्रो होगा तो जो दो डीएनए बने थे और दो हाइब्रिड डीएनए बने थे इन अ नॉर्म इन अ हाइब इन N15 वाले मीडियम में, नाउ वो ईच ऑफ देम विल गेट सेपरेट एंड फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड। तो दैट्स व्हाई इन नाउ यू विल गेट टू हाइब्रिड्स एंड टू नॉर्मल लाइक टू N14 वाला स्ट्रैंड। तो तुम्हारा डाउट ये है कि उन्होंने पहले क्या किया था, पहले उन्होंने N14 में पहले उन्होंने N14 में क्लियर किया था या N15 में किया था, राइट? तो जितना मुझे समझा है, मतलब जितना मुझे पता है, बेसिकली स्टार्टिंग में N14 में ग्रो किया गया था, देन N15 में किया गया था, देन वापस से N14 में किया गया था। बस स्टिल अगर तुम्हें और डिटेल में चाहिए तो देयर इज वन बुक दैट इज वेरी बुक, बट मैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ तो भेज सकता हूँ इफ यू वांट टू रीड इन डिटेल। जैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से वैसे अलग अलग मॉडल्स थे, देर आर कंजर्वेटिव मॉडल, देर वॉज कम्प्लीटली न्यू सिंथेसिस मॉडल, ऐसे भी थे। बट देन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्यों एक्सेप्ट किया, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव किया गया, जब उन्होंने चेक किया, तब सेमी कंजर्वेटिव शोड सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट कि मतलब जो एक्सेप्टेबल थे, बाकी जो मॉडल्स थे देवर नॉट दैट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज द ओनली गुड थिंग अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो आई थिंक दिस शुड बी इनफ, बट देन इफ यू वॉन्ट टू रीड मोर मैं तुम्हें एक बुक का स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, तो तुम उससे रीड कर लेना, मतलब इफ यू वॉन्ट जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। बट जो तुम्हारे बुक में दिया है आई थिंक दैट शुड बी इनफ। ठीक है, यस सौरभ, हेलो, आई एम स्टार्टिंग इट, प्लीज थोड़ा इट्स इट इज वेरी नाइसली शोर, ओके? मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया है, तो प्लीज पे अटेंशन, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यूर, ओके? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी मैं करूंगा, बट जस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ओके? सो आई एम प्लेइंग इट। ओके, सो अगर ये हाथ पर देखा होगा तो सबसे पहले क्या हुआ, जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ था वो बाहर आ चुका है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड नाउ इन अ साइटोप्लाज्म इट इज एक्टिवेटिंग द एंजाइम अमाइनो एसिड सिंथेसिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड।
So this is the start codon now binding to the mRNA. Sorry, start codon pe the first initiator tRNA will go and bind. So yahan pe initiator tRNA kaun sa hai? Methionine tRNA. Okay. So it will bind to the mRNA with the anticodon loop. So agar main bol raha hu ki anticodon loop AUG hai, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा दैट विल बी ऑन एंटीकोडन लूप ऑफ द टीआरएनए. ओके, ये जो बड़ा सा दिख रहा है स्मॉल यूनिट दैट इज अ स्मॉल सब यूनिट ऑफ अ राइबोसोम. सो वी ऑल नो राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री. तो विदाउट राइबोसोम कोई भी प्रोटीन बनेगा नहीं. ओके, सो विद दिस अपना फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांसलेशन एंड्स. मतलब वो क्या होता है वहां पे, सबसे पहले एमआरएनए बाहर आएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर टीआरएनए. सो वेरी फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए क्या होगा? मिथियोनिन टीआरएनए. फिर वो क्या, फिर राइबोसोम का स्मॉल यूनिट आके इट विल बाइंड टू द एमआरएनए एंड फाइंड द इनिशिएटर और स्टार्ट कोडॉन. बेसिकली जैसे ही स्टार्ट कोडन मिल जाएगा उसको, इट विल एक्टिव, इट विल अलाउ द एक्टिवेटेड टीआरएनए और यू कैन से असाइलेटेड एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए टू बाइंड एट द स्टॉप कोडन, सॉरी टू द स्टार्ट कोडन, आई एम सॉरी टू द स्टार्ट कोडन. एंड देन उसके बाद अ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विल एंटर. सो एक बार जब लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विल बाइंड टू द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, वी कैन सी देयर आर थ्री साइड्स ऑफ द साइट्स फॉर टीआरएनए बाइंडिंग. कौन कौन सा, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ई पी एन ए. पी इज अ पेप्टिडाइल साइट, ए इज अमीनो एसिड साइट एंड ई इज अ एग्जिट साइट. तो यू कैन सी जो सबसे पहला वाला है, जो मैंने कल भी बोला था, जो सबसे पहला इनिशिएटर कौन होता है, दैट ऑलवेज बाइंड टू द पी साइट. उसके एक साइड में क्या है, ई साइड है, उसके नेक्स्ट स्ट्रैंड पे क्या है, ए साइड है. अभी यहाँ तक हमारा इनिशिएशन स्टेप खत्म हो जाता है. ठीक है, नाउ द इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, new tRNAs will come and they will bind to the ARNA. Okay, to the A site, and simultaneously you can see now how it shifts. Okay, so there is something called as translocation happens. जहाँ पे जो P में होता है tRNA वो E में आता है and then finally it is exit. Similarly, जो A में रहेगा फिर वो P में आएगा and in this way it will keep elongating. This bond is called as peptide bond. Okay, so don't forget the bond which connects two amino acid is called as peptide bond. ओके, सो नाउ इलांगेशन आई थिंक यू सॉ कैसे होता है कि हर एक अमीनो एसिड जाके उसको अटैच होते जाता है एंड वी गेट अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन इज टर्मिनेशन. वो कैसे होता है कि दे व्हेनेवर दे विल फाइंड अ टिपिकल स्टॉप कोडॉन इन अ एमआरएनए सीक्वेंस, इट विल स्टॉप. नाउ यू विल सी
ओके सो आई थिंक यू गॉट सम आइडिया एग्जैक्टली क्या हो रहा है प्रोसेस में. यस और नो? यस सर. ओके सो कुछ आइडिया मिला लाइक व्हाट इज ट्रांसलेशन जो मैं कल तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इफ यू रिमेम्बर यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग दिस ओके राइबोसोम के पास डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होता है या फिर राइबोसोम इज कंपोज ऑफ टू डिफरेंट सब यूनिट्स एंड देन mRNA इज अ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल tRNA इज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल and then कैसे वो P side होता है, A side होता है, E side होता है, and how it shifts and all. I think did you get थोड़ा बहुत idea कि मतलब exactly क्या होता है, मतलब वो video देख के. So this is just to give you a थोड़ा सा मतलब kind of visualization कि मतलब exactly होता क्या है. अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँ कि हाँ P side है, E side है, A side है और वहाँ पे जाके attach हो रहा है, तो I think it's a bit difficult to understand कि वो क्या होता है. But now since you all have seen exactly वो कैसे होता है, I think it will be easy for you to understand the process as well in a theoretical way. Okay? Okay. तुम्हारे book में there is one diagram given, which is not really a very good diagram, I will say. But okay, it's good. But then थोड़ा difficult to understand. जैसे कि हमने देखा कि मतलब videos are giving us actual में what a real like a realistic information, or you can see how the mRNA is coming and it's binding the subunits coming together and all. So the diagram is not very clear, we can say it is good but it's not very clear at your stage. So इसलिए थोड़ा उसको practice तुम लोग को करना पड़ेगा और तुम practice तभी कर पाओगे जब तुम लोग को process समझेगा. Okay? So please try to understand this. It is very important and translation is not a very simple thing. Okay, I will repeat, translation, it's like not only translation but transcription and translation both. ये बहुत बड़े बड़े topics हैं and like there are books on this particular topics. But since we are just trying to introduce, तुम लोग को सिर्फ एक मतलब ना hints देना कि okay there is something called translation, there is something called transcription. इसलिए this entire thing is there. So don't get burden कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है and all because so many things are missing. जितना easy हमने यहाँ पे दिखाया है in your book, it is not that easy. There are hundreds of enzymes involved and वो अपना काम करते हैं. Each initiation has a different complete mechanism. Elongation is having different mechanism. Termination is having different mechanism. So it is a bit complex mechanism. बट एट दिस स्टेज और वी कैन से फॉर नाउ हमें क्या समझना है कि उसका एक कोर क्या है, कि मतलब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. वी डोंट वॉन्ट टू गिव गो इन अ वेरी डिटेल थिंग राइट नाउ बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. सो वॉट एवर इज हियर वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ओनली, कि जो दिया है उसको हम लोग समझ के अपने दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर एंड आई थिंक फ्रॉम वीडियो आल्सो नाउ इट इज क्लियर टू यू, देयर आर थ्री स्टेजेस इन इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. ओके ओके, बिफोर गोइंग अहेड एट एनी पॉइंट अगर तुम लोग को मेरा आवाज नहीं आ रहा है या फिर स्लाइड्स आर नॉट विजिबल और सम टेक्निकल इश्यूज कम, प्लीज लेट मी नो. ओके, देयर इज सम अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इज शोइंग टू मी, सो just okay. So now initiation of polypeptide chain. Now I think if you have seen the video thoda carefully, you will see, you must have understand ki kya ho raha hai. In initiation what happens, the very important and the core step we can say is the activation of amino acids. Why do we need to activate amino acids? Because amino acids are the raw material for protein synthesis.
So when I say activation of amino acid, how am I doing it? I am doing it using the typical energy rich molecule called as ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, and how it is done? When I say activation, we are actually adding up a ADP molecule basically. So the ATP breaks down. So ATP can be the same ADP plus inorganic phosphates comes together and form ATP, right? In a similar way, AMP plus pyrophosphate, which is double pyro, double phosphate basically, makes ATP. So now हमारे पास already ATP है, but while activation we require energy. So what happens? The ATP breaks down and then by that way it gives out energy, and the energy will be help in the activation of the amino acids. Okay. So मैंने amino acids को activate कर दिया. If you remember, there is also enzyme called as amino acid synthesis, but then it is not mentioned over here. So that is we will just skip for our information. Okay. ऐसा कुछ तो होता है. That is one. Okay. So now एक बार जो मैंने अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट कर दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी नो देयर आर टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स आर व्हाट आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग लोकेशन, और वी कैन से द प्लेस और अ फैक्ट्री जहां पे ये सब प्रोटीन्स एक्चुअली बनने वाले हैं. तो वो कैसे होते हैं? वी ऑल नो राइबोसोम्स आर नॉट अ सिंगल कंप्लीट मॉलिक्यूल, देयर आर टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स व्हिच कम टुगेदर एंड फॉर्म वन इंटैक्ट राइबोसोम, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का, वो आएगा एंड इट विल बाइंड टू द एमआरएनए एट विच एंड एट अ 5 प्राइम एंड. ओके, नाउ एट 5 प्राइम एंड जब वो बाइंड करेगा, इट विल नॉट डायरेक्टली स्टार्ट प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस विल स्टार्ट ओनली एंड ओनली जब स्टार्ट कोडन रहेगा. तो इट विल फर्स्ट सी वेयर इज द स्टार्ट कोडन एंड इट विल अटैच द स्टार्ट कोडन. ओके, जैसे ही स्टार्ट कोडन को उसने देखा, इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वी कैन से द ट्रांसलेशन. सो क्या होगा, वंस द पर्टिकुलर स्टार्ट कोडन इज लाइक फाउंड, इट विल गिव सिग्नल सो दैट द इनिशिएटेड टीआरएनए, जिसके पास मेथियोनिन के लिए रहेगा अमीनो एसिड और मेथियोनिन अमीनो एसिड रहेगा, दैट विल कम एंड बाइंड टू द स्टॉप स्टार्ट कोडन, दैट इज AUG, by its anticodon site. So anticodon ka kya rahega sequence? UAC, which bond by hydrogen bonds, and in this way it carries the typical methionine as a first amino acid basically. So in a case of eukaryote, the start codon is always a methionine carrying tRNA. However, in case of prokaryotes, it's not just methionine, but it is a formyl methionine. There is a small structural difference in a methionine and a formyl methionine. Okay, so please go and check if you want, or you can just keep it as a theory point of view. Okay, because structures are not important for you, but then there is a difference. So what is different? The formyl group is extra in case of the prokaryotes, and that's why it is a formyl methionine. Okay, now ek bar jo ye start codon jaake start codon pe jaake ye amino acid tRNA will attach to the P site, kya hoga? Large subunit jayega and it will bind to the mRNA and the small subunit. So it there will be typical assembly now form hoga. mRNA base main which is a small unit, upar se bada large unit. And ye sab hoga kiske madad se? Ng2 plus ions se. These are the cofactors which are required. Okay? And in this way, the initiated charged tRNA with activated amino acid methionine occupies the P site of the ribosome, and now as just for now there is only start initiate, or we can say initiated tRNA, only P site is occupied. Okay, that is the peptidyl site of the mRNA of the ribosome is occupied, and the A site is still vacant. Okay, so this is called as activation process, or we can say initiation process of a polypeptide chain. Itna samjha sakte? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक्टिवेशन अब करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड करेगा एट अ 5 प्राइम डेट, एंड एयूजी के यहाँ पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए विल गो एंड बाइंड, एंड उसके बाद लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगा. तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. एनी डाउट टिल नाउ?
हेलो आर यू या गुड एट लीस्ट गिव थोड़ा सिग्नल बिकॉज आई फेल कि कुछ तो नेटवर्क इश्यूज है. या फाइन. सो इलॉन्गेशन ऑफ नाउ द सेकंड प्रोसेस इलॉन्गेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन. सो व्हाट डू आई मीन बाय इलॉन्गेशन कि जो मेरा अभी एक अमीनो एसिड मैंने ऐड किया था आई विल कीप ऑन एडिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स टू दिस पर्टिकुलर वन अमीनो एसिड एंड इसके वजह से हम लोग दोनों को ज्वाइन करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं हर दो अमीनो एसिड्स के बीच में एंड दिस फाइनली गिव्स अस या पॉलीपेप्टाइड मतलब लॉन्ग लेग अमीनो एसिड सीक्वेंस. कैसे? सो नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन टू द फर्स्ट अमीनो एसिड जो कि हम लोग का क्या था मिथियोनिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड फॉर्माइल मिथियोनिन इन केस ऑफ यूकैरियोट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ओके नाउ द अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एज आई मेंशन एंड दिस अमीनो एसिड बाइंड टू द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए जो कि which is a what is the amino acid binding site matlab hamara a site. okay this results in a formation of a tRNA amino acid complex. okay I'm sorry this activated amino acid binds to the amino acid binding site of tRNA in the at this point this is the 3 prime end of the tRNA if you remember the tRNA structure there is a 5 prime and the 3 prime and the 3 prime is actually the acceptor site jahan pe amino acid aake bind hoga. So at this point, they're talking about this, and this gives us tRNA and an amino acid complex. Okay. Now, addition of this particular amino acid occurs in a three steps basically. So, कैसे? सबसे पहले क्या important है? Codon recognition. It is very very important because अगर codon ही ठीक से recognize नहीं किया, then there is a very high chances that a wrong amino acid will be get incorporated the wrong place. और अगर ऐसे हुआ तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा एंड जो प्रोटीन हमें को बनाना है उसका फंक्शन ठीक से होगा नहीं. राइट सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कोडॉन है. राइट सो द अमीनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल विल एंटर द राइबोसोम एट ए साइट एंड it will read the codon and only at that time only the anticodon binds with the codon by hydrogen bond and then it will like with this the specificity is maintained ki jo codon rahega usi ko attach hone wala jo tRNA rahega uske paas wo anticodon hona hi chahiye and tab jaake uska codon anticodon wala interaction hoga with the hydrogen bonding and it will get attached. agar wo match nahi ho raha to they will not form a hydrogen bonds and the no tRNA will get attached. okay that's why the codon recognition is a very important step. now main dekha ki jo hamara pehle sabse pehla amino acid tha jo ki methionine tha which was on the first initiated tRNA jo humne p site pe attach hua dekha tha wo kya karega jaise hi second amino acid aayega it will go and bind to which site now a site that is a and fifth there will be the formation of the peptide bond between the amino acid at the p site and the amino acid at the a site. okay so ye kaise hota hai it is catalyzed by the enzyme ribozyme and iske baad kya hoga jaise hi peptide bond form ho jayega jo bhi amino acid like jo bhi tRNA hai at the jo ye amino acid carry kar raha tha ab ek baar jab peptide bond form ho gaya it means they are now linked. okay What do I mean by they are linked? मतलब दो अमीनो एसिड जो हम लोग इंटरेस्टेड थे नाउ दे आर लिंक. ओके सो नाउ टीआरएनए का काम हो चुका है. सो क्या होगा जो टीआरएनए था एट अ पी साइट उसको नाउ दैट विल गेट किप्ड ऑफ टू द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट साइट. तो नेक्स्ट साइट क्या है ई साइट. सो नाउ यू विल से कैसा क्यों हो रहा है क्यों उसको निकाल देना है. तो इफ यू गो बैक एंड रीड अबाउट द टीआरएनए का फंक्शन what is it it is a adapter molecule uska kaam kya hai to connect the codon and amino acid ke beech wala information or missing link jo tha. why because hame kya chahiye jo codon hai hum log ko wahi amino acid chahiye. to at a right position at a right codon a right amino acid lene ke aane ka kaam kiska tha tRNA ka.
तो अभी अगर एक बार जो अमीनो एसिड लेके आया है उसने पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्म कर दिया है, तो नाउ टीआरएनए का जॉब इज डन, सो इट हैज टू बी गो बैक टू द साइटोप्लाज्म एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो ये जो प्रोसेस है जहां पे ये टीआरएनए फ्रॉम द पी साइट इज एक्चुअली ट्रांसफर टू द ई साइट, एंड उसके बाद जैसे ही वो ओके टू बी मोर क्लियर, तो नाउ जो हमारा टीआरएनए था जो कि पी साइट पे था, नाउ जिसको मैंने बोला कि ई साइट पे किक कर दिया, तो ऑब्वियसली पी साइट इज नाउ वैकेंट, राइट? सो द ए साइट विल गो टू द पी साइट. जो ए साइट पर जो टीआरएनए था वो अभी आगे बढ़ेगा, इफ यू रिमेम्बर द वीडियो आल्सो जो हमने अभी जस्ट देखा. तो दिस इज द प्रोसेस, और द प्रोसेस बाय विच द अमीनो एसिड और द टीआरएनए, सॉरी द अमीनो एसिड ऑन द टीआरएनए at the A site carrying a dipeptide at A site moves to the P site. So, jo A site pe tha na wo P site pe move hoga, and this particular process is called as translocation. So, now again thoda summarize karenge, thoda confusing lagega, I do understand, but then try to understand please. Aur agar kahin pe bhi koi doubt hoga to pucho. To maine itna hi bola abhi tak ki okay, as we know there are three sites on a ribosome ka subunit, large subunit E, P and A. E is the exit, P is the peptide, and A is the amino acid or acceptor site, we can say. Now, ये जो E site है, that is the exit site, तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमारा जो starter और initiator codon था और initiator tRNA था, जिसके पास हमारा methionine वाला amino acid था, that will bind to the mRNA और ribosome at which end at the P site. तो उसके बाद दूसरा वाला अमीनो एसिड आया और उसने ए साइट पे, वो ए साइट पे बाइंड हो गया और अटैच हो गया. नाउ जो अमीनो एसिड था ऑन द टीआरएनए प्रेजेंट एट द पी साइट एंड द टीआरएनए प्रेजेंट ऑन ए साइट, उनके पास जो अमीनो एसिड्स थे दे विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ अगर ये दो अमीनो एसिड ने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर दिया है, सो नाउ टीआरएनए का जॉब इज डन, राइट? तो जो सबसे पहले पी साइट पे जो टीआरएनए था, that will be kicked off to the E site, that is the exit site. So now P site is vacant, right? So kya hoga, jo A site pe jo mera amino tRNA tha which was carrying my dipeptide, now wo jaake shift hoga aur that will move to the vacant P site jo ki khali tha pehle. So now kya hua, P site pe there is a amino acid from the tRNA, amino acid from tRNA, sorry, now P site पे क्या हुआ, जो A site का था वो P site पे आ गया, and जो P site पे था वो E site पे चला गया. Now मेरा A site is vacant, वहाँ पे new tRNA carrying amino acid can come and bind. So in this way, this process of moving from A site to P site is called as translocation. Okay, I hope you understand. So now अब जब भी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो E site पे जो tRNA गया था, that will be किट ऑफ, तो वो निकल जाएगा, तो ई साइट वैकेंट हो जाएगा. एंड जब ए साइट जो वैकेंट था हम लोग का, वहां पे नया अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा जो अमीनो एसिड को कैरी करेगा. तो जो अभी डाइपेप्टाइड था व्हिच वाज प्रेजेंट ऑन अ पी साइट करेंटली, नाउ व्हाट हैपेंड, द डाइपेप्टाइड विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड विद द न्यू अमीनो एसिड, फिर वो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, एंड फिर जो पी साइट पे अमीनो एसिड है और टीआरएनए है, दैट विल अगेन शिफ्ट टू द ribosome
ruler making a site vacant, right? At this site, the next charged RNA molecule carrying amino acid will be received, right? लोगों समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इफ नॉट प्लीज लेट मी नो. हेलो, यस सर, हेलो, सर, या होता है, राइट? आई होप आई एम ऑडिबल. सो नाउ दिस प्रोसेस, जस्ट इमेजिन कि इतना सारा मतलब एक अमीनो एसिड जाके बाइंड कर रहा है, फिर वो शिफ्ट हो रहा है, देन साइट वैकेंट हो रहा है, नेक्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए आ रहा है, उसका अमीनो एसिड वापस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एंड दिस ऑल प्रोसेस व्हाट डू यू थिंक कितना फास्ट होना चाहिए? बिकॉज अमीनो एसिड्स आर नॉट लाइक कि चार पांच अमीनो एसिड का बना, लाइक प्रोटीन्स आर नॉट लाइक कि सिर्फ चार पांच अमीनो एसिड से बना है. Proteins are very huge, like there are proteins which are like 1000 amino acids, 2000 amino acids, like that also. So just imagine the time required kitna jyada hoga in agar hum log soche to make it in a typical lab. But our system is so developed and complex that the pura jo process hai, just imagine it takes less than just 0.1 second for formation of a peptide bond. Amino acids ka ek aad banana hai, so that will be done within a minute, we can say. So this is the beauty of the this particular biology. मतलब वो it's very fascinating कि कैसे मतलब जो lab में करने के लिए भी we take time, the body is doing so efficiently इतने time से. Keep on continuing, right? कि जो मतलब था Okay, so this is the same thing we have, they have given, explained again and again. So this particular events, that is
Okay. Sorry for that. So, so we just sit down. So, हम लोग कहाँ पे थे? Removal of the tRNA. The ribosome move over the mRNA. All the codons on the mRNA are exposed by one by the process of translation. Okay? And एक बार जब ट्रांसलेशन का सब मतलब mRNA खत्म mRNA का जब पूरा कोडॉन था वो खत्म हो गया what happens the new process the next process is a termination तो obviously ये प्रोसेस को कहीं पे तो स्टॉप करना ही पड़ेगा राइट ना इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसे कंप्लीटली एक बार स्टार्ट किया तो दैट विल बी लास्टिंग फॉर एवर नो हर एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है और उतना सीक्वेंस होने के बाद इट हैज टू स्टॉप सो दैट्स व्हाई टर्मिनेशन बिकम्स द इम्पोर्टेंट स्टेप राइट सो व्हाट इज हैपनिंग इन टर्मिनेशन नाउ तो इफ यू रिमेंबर मैंने बोला देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन व्हाट डिड आई से There is something called as stop codon on a mRNA. So, कौन कौन से stop codons है? UAA, UAG, UGA. तुम सबको ये तीन codons by heart होने चाहिए, okay? What is the start codon? It is AUG. What are the stop codons? It is UAA, UAG, UGA, okay? So now क्या होगा? It is exposed at the S site. It is not read and joined by anticodon of any tRNA, right? Because We all know stop codon do not code for any amino acid. तो वो किसी amino acid के लिए code नहीं करते हैं. There will be no tRNA for stop codon also. So there will be no binding of any tRNA at this site. And because of this, the release factor binds to the stop codon, thereby terminating the translation process. Now what is release factor? These are some protein factors which come and bind, which indicates now the process needs to be stopped. And the entire assembly needs to be disassembled. So if you remember the video, at last क्या हो रहा था? दोनों भी subunits जो थे, ribosome के ऊपर separate हो गए थे, mRNA निकल गया था, tRNA निकल गया था, in this way, and the polypeptide chain is also removed. So ये सब होगा. And finally, as I mentioned just now, कि जो final after releasing the entire assembly, the polypeptide chain is now released into the cytoplasm. और फिर उसके बाद इट्स नॉट लाइक ओके एक बार मैं रिलीज कर दिया साइटोप्लाज्म में तो माय जॉब इज डन नो राइट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग फॉर द प्रोटीन टू गेट अ प्रॉपरली फंक्शनल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन के इट इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो मेरे पास अभी है अभी उसके आगे उसको प्रॉपरली फोल्ड करना टिपिकल शेप एंड साइज में लाना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विच इज अ नेक्स्ट पार्ट बेसिकली ओके आउट ऑफ द स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर बट वो सब भी होता है दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड एज आई जस्ट मेंशन द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम डिसोसिएट एंड द लास्ट टीआरएनए इज सेट इज फ्री इन द साइटोप्लाज्म तो जो हमारे पास बचा हुआ लास्ट टीआरएनए था उसको भी हम लोग रिलीज कर देते हैं एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड एज अ अनट्रांसलेटेड रीजन दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा तो देयर आर सम सीक्वेंसेस इन एमआरएनए व्हिच आर नॉट रियली ट्रांसलेटेड Okay, and this sequence are called as untranslated region. So this is why it's so important because see, there are something called as stop codon, जो कि code नहीं करते, but there are few sequences which are not a stop codon, but they are not also coding sequence, and that's why they are not translated, and that's why it is called as untranslated region or a UTR. So this UTR generally present at both the 5' end before start codon and at the 3' end after stop codon. So you can see sequence. They are present either at the start or at the end. Okay, and that's why they are not interfering with our sequence at any point. And why we are required this particular sequences? Because they actually it was showed that this UTRs, even though
दे आर नॉट ट्रांसलेट, वो खुद को अगर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, दैट इज करेक्ट, बट देन दे हैव शोन टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन बाय इंक्रीजिंग और बाय एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस. ओके एंड फाइनली द mRNA is released into the cytoplasm. Now it can get denatured and degraded by the nucleases present process finally stops. So, हमें अभी at last क्या मिला? हमें को एक properly synthesized protein or we can say polypeptide मिला. जो assembly था वो disassemble हो चुका है. जो mRNA था उसका अभी काम हो चुका है. So, we don't need that mRNA and that's why it is degraded. And that's why mRNA are degraded by the cell after a particular point. Okay, and this is a typical